नमस्कार, मैं संदीप तिवारी, टारगेट बिथालो का इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी केबीएस पीआरटी के अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। हाल ही में आपने केबीएस पीआरटी का एग्जाम दिया, आपने अपने अच्छे प्रदर्शन का फीडबैक और रिस्पांस भी हमें प्रोवाइड किया, जो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ था। आपने अलग अलग सेगमेंट में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, इसका भी संदेश आपने हमें प्रोवाइड किया है। वह एक अलग कड़ी थी जब आपने पेपर दिया था, अब नई कड़ी में सबसे जो इसका महत्वपूर्ण अंग है वो इंटरव्यू आपके सामने आ रहा है। इंटरव्यू में आपका प्रेजेंटेशन आपके सिलेक्शन को तय करेगा, इसलिए आपने अगर अभी तक रिटन एग्जामिनेशन में अच्छा रिस्पॉन्स किया, अच्छा प्रदर्शन किया है, तो इंटरव्यू की किसी भी कोताही को आप स्वीकार मत कीजिएगा। आप अपना सब कुछ झोंकिए, आप अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए इंटरव्यू की अच्छी प्रिपरेशन करिए, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसी सब बातों को ध्यान से देखते हुए मैंने यहाँ पर इंटरव्यू से संबंधित अपने विषय को लेकर के और इंटरव्यू की कुछ तकनीकी चीज़ों की जानकारी देने के माध्यम से इस वीडियो को मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में आपको मैं बातें कुछ ऐसी बताऊंगा जो आपको निश्चित तौर पर जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पर काम आएगी। तो मेरी तरफ से कुछ अपने अनुभव हैं, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं, प्लीज़ इन बातों को आप गौर से और ध्यान से सुनिएगा। इसी वीडियो के साथ, इसी टिप्स के साथ वीडियो के अगले हिस्से में आपको मैं मैथ्स के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताऊंगा जो निश्चित तौर पर आपके इंटरव्यू में आपसे पूछे जाने की जिसकी चांसेस ज़्यादा हैं। वो क्वेश्चंस आम तौर पर पूछे जाते हैं जहाँ पर आपकी स्किल के साथ साथ आपके जो है प्रेजेंटेशन, इन सब बातों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो आइए मैं शुरुआत करता हूँ इस वीडियो की। इस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण भाग जो कि इंटरव्यू के महत्वपूर्ण टिप्स के रूप में हैं, उन्हें पॉइंट टू पॉइंट आप समझिएगा, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो इंटरव्यू और एग्जामिनेशन हाल में आंसर हल करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब आप किसी परीक्षा के लिए एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर्ड होकर के, प्रेजेंट होकर के प्रश्नों को हल करते हैं, तो वहाँ पर केवल और केवल आपकी स्किल, सब्जेक्ट पे कमांड ही ऑब्जर्व किया जाता है कि आप सब्जेक्ट में कितने होनहार हैं। क्योंकि आप एक टीचर बनेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी, आपके पास स्किल कंटेंट या सब्जेक्ट के अलावा भी आपकी व्यवहार में, आपकी पर्सनैलिटी में भी होना चाहिए जो बच्चों को सही तरह से मार्गदर्शित कर सके और सही एक जनरेशन को तैयार कर सके। इस बात का ख्याल रखा जाता है इंटरव्यूअर की तरफ से, जो आपकी सिलेक्शन कमेटी होती है उसकी तरफ से। अब यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी आपकी स्किल के साथ, आपके कंटेंट के साथ इन्वॉल्व होगी, तो पहला जो प्रेजेंटेशन आपका होगा वो आपकी पर्सनालिटी ही होगी, जिसमें ड्रेसिंग बहुत मायने रखता है। ड्रेसिंग प्रॉपर और वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, जो टीचर की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप सूट बूट टाई ही लगाएं, लेकिन ऐसी पर्सनालिटी आपकी प्रेजेंट हो जो कि एक टीचर के व्यक्तित्व को दिखाए। मैंने भी कोई सूट बूट नहीं पहना है और आप इसको मेरी तरफ से जज मत करके जाइएगा, जैसे मैंने ड्रेसिंग करी ऐसी ड्रेसिंग आप करके जाएं। आप टीचर की गरिमा के अनुरूप एक प्रॉपर वेल मेंटेन्ड, जैसे कि पुरुष पैंट शर्ट प्रॉपर पहने, महिलाएं उसी हिसाब से अपना एक ड्रेसिंग तैयार करें जो टीचर की तरह प्रेजेंट करता हो। ड्रेसिंग के अलावा आपका जो रवैया हो, बातचीत का तरीका हो, वो बहुत ही मायने रखेगा, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बातें करने के प्रति होना चाहिए। मैंने एक अपने इंटरव्यू में, मुझसे जब पूछा गया प्रश्न, तो साफ साफ प्रश्न को पूछने के साथ साथ इंटरव्यूअर की तरफ से कहा गया कि आप हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में चीज़ों को घुमाना मत, आप हमें स्पष्ट और क्लियर आंसर देना। तो मैं अभी आपको निर्देश देता हूँ कि जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, आप उसमें पूरे अपने ज्ञान का बखान मत करिएगा। जिस प्रश्न को पूछा गया, सटीक उस प्रश्न का उतना ही उत्तर देने की आप कोशिश करिएगा। बहुत ज़्यादा घुमाने की और चीज़ों को इन्वॉल्व करने की, इधर से उधर अपने प्रदर्शन को बहुत बड़ा करके दिखाने की आप कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। ये आपकी पहली, दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या आती है, भाषा की। आपको लगता है कि हम केवीएस का, यहाँ पर केवीएस में चयनित होने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अंग्रेजी की डिमांड करेगा, इंग्लिश की डिमांड करेगा, और अक्सर लोग इंग्लिश में, बहुत सारे लोग के हाथ तंग होते हैं, हमारे भी हैं, अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होती है और किसी किसी की तो होती ही नहीं है। तो आप स्पष्ट कर दीजिए, सर आई एम नॉट कम्फर्टेबल इन इंग्लिश। आप इतना भी ना बोल पाएँ तो आप सीधा कहिए, मैं अंग्रेजी में सर उत्तर नहीं दे सकता हूँ, मुझसे आप कृपया हिंदी में प्रश्न पूछें। आप हिंदी में प्रॉपर आंसर दीजिए, आपका कम्युनिकेशन फ्लुएंट इन हिंदी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आधी अधूरी इंग्लिश, आधी अधूरी हिंदी, आप आधे अधूरे के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िएगा। जो पढ़िएगा स्पष्ट और क्लियर पढ़िएगा। तो इसलिए भाषा का विशेष ध्यान दीजिएगा। साथ साथ मैंने जैसे आपसे कहा कि अपने पर्सनालिटी, अपने प्रेजेंटेशन, अपने आंसर देने की स्किल, अपनी ड्रेसिंग, इन सब मायनों से जब आप किसी इंटरव्यूअर को प्रभावित करेंगे, तब अगली जो चीज़ होती है वो आपके नॉलेज को चेक करने की होती है। हालांकि एक बार नॉलेज आपका चेक हो चुका है, कहाँ पर, एग्जामिनेशन हॉल में, जहाँ पर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से टिक करके उत्तर दिया है, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं।
तो टीचर के अंदर केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने की कला नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। उसे किसी एक क्लास को संबोधित करना होता है, क्लास के बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना होता है, अपनी बातों को स्पष्ट बताना होता है। कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं हमारे आसपास ही जिनको किसी क्वेश्चन का बहुत अच्छा आंसर पता होता है, मतलब वो मैथ्स की ही बात करो जाए तो मैथ के ही प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल कर लेते हैं, लेकिन किसी को समझा नहीं पाते हैं। तो दो बातें होती हैं, कभी कभी आप हमसे भी कहते हैं कि सर आप पढ़ रहे हैं, मतलब खुद लगा रहे हैं कि बता रहे हैं, मतलब खुद ही अपना लगा रहे हैं कि हमको समझा रहे हैं। तो अब टीचर क्या होता है, टीचर का मतलब हम लगाएं तो आपको सीधे समझ में आए, जो क्वेश्चन हम हल करें वो आपको क्लियर समझ में आए। तो इन सब बातों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इंटरव्यू की जो विशेष चीज़ें हैं, आप सब इस सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, जिससे कि इंटरव्यू में अच्छा रिस्पॉन्स कर पाएँ, इंटरव्यू आपकी सफलता में बाधक ना बन पाए। अब मैंने कुछ प्रश्नों को कलेक्ट किया है जो मैथ्स के हैं, जो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जाने की जिनकी गुंजाइश और संभावनाएं भी बहुत सारी है। तो आइए कुछ प्रश्न मैं यहाँ पर चयनित किया हूँ, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि कैसे प्रश्न आपको जो है वहाँ पर इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर रखा है, लेकर के लिखा है कि ब्याज की दर की गणना। अब जैसे यहाँ पर इसने लिखा, व्हाट इज द फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट, मतलब ब्याज की दर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका आप फार्मूला बताओ। तो आप केवल ब्याज दर को ही मतलब आप प्रिपेयर करके जाइए, आप हर फार्मूले को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाइए। लाभानि का फार्मूला भी आपको याद रहे, औसत का भी फार्मूला आपको याद रहे, आपको एवरेज के भी रेशियो के भी जो जनरल फार्मूले होते हैं याद रहें, मेंसुरेशनल जितने फार्मूले होते हैं याद रहें। तो फार्मूले जहाँ जहाँ मैथ्स में रिक्वायर्ड होते हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, वो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अब उसने हमसे कहा कि अगर हमें इंटरेस्ट रेट का फार्मूला बताना है, तो आप ये मत सोचिए कि हम पूरा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बताने लगे। आपको सिंपल बताना है, सर हम जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास एक प्रिंसिपल अर्थात मूलधन होता है, मतलब जब हम किसी जगह पर कोई पैसे, दोनों बात बताइएगा, बारो करें या डिपॉजिट करें, मतलब उधार लें या हम जमा करें। तो जहाँ पर जमा करते हैं तो सबसे पहले सर एक टाइम फिक्स होता है, टाइम ड्यूरेशन क्लियर किया जाता है या टाइम को सेट किया जाता है। तो दूसरी बात, यहाँ पर टाइम किया जाती है जिसको आप समय अवधि या समय कहते हैं, टाइम जनरली कहते हैं। और फिर आप इस समय को जैसे मान लीजिए एन या टी लीजिए, ऐसे जनरली वहाँ पर लेकर बताइए, और साथ साथ कहेंगे सर जो ब्याज हमारा कैलकुलेट होगा, जो एक्स्ट्रा मनी है, जो रेंट ऑफ मनी है, बेसिकली आप ब्याज को वहाँ पे बता भी सकते हैं, इट्स कॉल रेंट ऑफ मनी, कि जो पैसे पर लिया या दिया जाने वाला किराया होता है उसी को हम ब्याज कहते हैं। यह ब्याज एक्चुअली दो प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, ये भी आप बता सकते हैं। एक फ्लैट होता है जो कि हर साल समान होता है, जिसको आप साधारण ब्याज कहते हैं। एक कंटिन्यूड होता है जो सतत वे में काम करता है, जो अपडेट पर अपडेट होता है, वह चक्रवृद्धि होता है। तो ब्याज का कैलकुलेशन सर दो प्रकार से होता है, लेकिन ब्याज को कैलकुलेट करने के लिए दर निर्धारित की जाती है, जिसे आर परसेंट पर एनम हम कहते हैं। ये जरूर बताइए, आर परसेंट पर एनम, ये हमारी ब्याज दर है सर, और ये हमारी ब्याज दर है। अब हमारे पास इस धन, इस समय और इस ब्याज दर के बिहाव पर दो प्रकार से ब्याज का कैलकुलेशन होता है। एक एसआई, तो आप यहाँ जरूर बताइए कि एसआई क्या है सर, कि हर साल समान ब्याज का कैलकुलेशन है, मतलब कोई अपडेट नहीं होता है, जो पहले साल ब्याज वही दूसरे साल ब्याज वही तीसरे साल ब्याज वही लगातार ब्याज होगा। इसका फार्मूला जनरली होता है कि आप इस रेट परसेंट को समय के साथ इन्वॉल्व करते हैं, और जस्ट अ कॉमन फार्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपान 100, या आप ऐसे कह दीजिए सर ये जो आर होता है दैट बिकम आर अपान 100 बिकॉज ऑफ द परसेंटेज रूल, आर अपान 100 पी इंटू टी से मल्टीप्लाई होकर के पी इंटू आर इंटू टी अपान 100 हो जाएगा। यहीं पर हमसे ये भी बताना होगा कि सर जो सी आई है दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूड या कम्युलेटिव, जो भी आप, या कंपाउंड इंटरेस्ट, आप ऐसे बोलिए, चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है, जो सतत वृद्धि पर अप्लाइड होता है, मतलब जब हम लोग पहले कन्वर्जन पीरियड का ब्याज निकालते हैं तो उस ब्याज को प्रिंसिपल में अपडेट कर देते हैं, तो नेक्स्ट कन्वर्जन पीरियड में प्रिंसिपल हमारा बढ़ता है, बढ़ जाता है, इस वजह से ब्याज का अमाउंट भी हमारे लिए चेंज होता होने लगता है। इसका फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए इस फार्मूले को, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, पी वन प्लस आर अपान 100 की पावर एन माइनस वन। आप यहाँ पर कुछ लोग गलती करेंगे, मैं 100% श्योर हूँ, अक्सर स्कूलों में किताबों में आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले इसको पढ़ाया जाता है पी वन प्लस आर अपान 100 टू द पावर एन, लेकिन याद रखिए अमाउंट का फार्मूला होता है, इस अमाउंट से अगर हम प्रिंसिपल माइनस करते हैं तब जाकर ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला ए है, इस फार्मूले को जरूर तैयार करिएगा। देखिए कभी कभी प्रश्न में आपसे कैलकुलेशन नहीं कहेगा, कहेगा इस प्रश्न को हल करने के कितने तरीके हैं, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जैसे हमसे कह दे कि इस ब्याज को फाइंड करने के और भी कोई तरीके हैं, हमारे पास सर वेरियस तरीके हैं, लेकिन वेरियस तरीके में एक दो तरीके आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने कुछ पढ़ाया भी होगा आपको, और आपको भी पता है कि सर अगर हम लोग दर को समय के साथ इन्वॉल्व कर दें तो एक वृद्धि दर हमारा कंप्लीट बन जाता है,
उसको प्रिंसिपल में हम लोग अप्लाइड करके भी हम ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बातें ध्यान रखना है, और जो फार्मूला पूछेगा उसी का आंसर हम लोग को बता के आगे बढ़ जाना है। बहुत समय नहीं लेना है कि आप एक ही क्वेश्चन में लगातार लग जाएं और पूरी व्याख्या, पूरी एक्सप्लेनेशन, पूरा प्रदर्शन अपनी नॉलेज का, अपनी स्किल का कर डालें, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। सिंपल सा जो जनरल बातें हैं उसको लेते हुए आप उसका उत्तर बता के आगे बढ़ जाइए, शांत हो जाइए। अपने आप टीचर अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, इंटरव्यूअर सॉरी। घन मीटर क्या है आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज अ क्यूबिक मीटर अक्सर पूछा जाता है, तो इसको जरूर ध्यान से और प्रॉपर एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे आप कहिए सर यह कन्वर्जन, जैसे आप घन मीटर जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज अ क्यूबिक मीटर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर इट्स अ मेजरमेंट यूनिट। क्या होता है, जो मीटर है दैट इज अ मेजरमेंट यूनिट, जिससे हम मापन की एक इकाई बोलते हैं। और इसके अलग अलग यहाँ पर पार्ट होते हैं, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको हम कैसे समझते हैं। हम कहते हैं कि हम किसी भी लेंथ को मीजर करें, लेंथ मतलब ऑब्जेक्ट को मीजर करने की बात मैं कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट में अगर हम उसके डायमेंशंस की बात करें, जैसे हम कमरे की बात कर रहे हैं या किसी बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो बॉक्स का अगर लेंथ एक मीटर है, ठीक है, लेंथ अगर एक मीटर है और ब्रेथ भी उसकी एक मीटर है, मतलब चौड़ाई भी उसकी एक मीटर है, अर्थात लंबाई भी एक मीटर है, चौड़ाई भी एक मीटर है और ऊंचाई भी उसकी एक मीटर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अगर एक मीटर है, तो ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि एक मीटर क्यूब इसका आयतन होता है, जो कि भाई हमको ये भी पता होना चाहिए कि एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। उस हिसाब से यह 100 सेंटीमीटर का 3 बार का कम्बिनेशन बन जाता है। अगर हम किसी बॉक्स को या कमरे की बात करें जिसमें आप बैठे हैं, आप वहाँ लोकेट करके दिखा सकते हैं, सर अगर हम इस कमरे की पूरी लेंथ को एक मीटर माने, चौड़ाई को एक मीटर माने और ऊंचाई को एक मीटर माने, तो इस समय हम कह सकते हैं कि एक मीटर एक मीटर एक मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर अगर हम प्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं कि यह आपका 100 गुणे 100 गुणे 100 मतलब इतने सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगर सेंटीमीटर में हम लिख रहे हैं तो फिलहाल यहाँ पर सेंटीमीटर में ऐसा कहा तो लिखा बोला तो है नहीं लिखने को, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं सर अगर हम इसको कैपेसिटी में मीजर करें, जैसे क्योंकि जब हम किसी भी बॉक्स की लेंथ को, बॉक्स के मेजरमेंट को मीटर 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 में हम ले रहे हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी गहराई को, इसको हम 1000 लीटर भी कह सकते हैं। 1 मीटर क्यूब क्या हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट 1000 लीटर होता है। लीटर जैसे जैसे मान लो हमारे घर में जो टंकी लगी है तो अक्सर 500 लीटर की 600 लीटर की 800 लीटर की आती है, जो कि राउंड इन शेप मतलब पूरी तरह से फ्लैट शेप में नहीं है, बट अगर वो शेप इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स हो जैसे कमरा हमारा है, तो हम कह सकते हैं कि 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर का लेंथ ब्रेथ और हाइट का फॉर्मेट है, तो वह 1000 लीटर पानी होल्ड कर सकती है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, यह जरूर बताइए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। अब देखिए ऐसे कॉमन प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, आप बताइए सर कि परसेंटेज पहले है क्या। सर परसेंटेज किसी भी मान का 100 पर कंपेरिजन है, इट्स अ पर सेंचुरी, आप ऐसे जरूर बता दीजिए, इट्स अ सर पर सेंचुरी। दैट मीन्स जब भी हमें कोई भी कैलकुलेशन बेस पर, बेस मतलब जैसे किसी भी बच्चे ने कोई पूर्णांक में किसी भी मैक्सिमम मार्क्स में कोई अंक अर्जित किया, कोई ने जो है किसी भी विक्रय के बाद मतलब कोई सामान को बेचने के बाद कुछ लाभ अर्जित किया, कोई पैसे जमा करने के बाद मुझे कुछ ब्याज मिला, मतलब कहीं पर भी अगर हमने कुछ अचीव किया, तो उसका हम जब कंपेरिजन 100 पे कर देते हैं तो वही परसेंटेज कहलाता है। परसेंटेज एक सिंबल के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, जो जब भी किसी एक वैल्यू के साथ लगेगा, वैल्यू मतलब नंबर के साथ लगेगा, तुरंत उसकी 100 पर रेशियो 100 पर वह तुलना को प्रेजेंट करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर है नंबर को हम परसेंटेज में लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर को ऐसे बना के दिखा सकते हैं अगर वहाँ पे पेन कापी मिले, और परसेंटेज को नंबर में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके होते हैं, नंबर में परसेंटेज लगाना होता है और परसेंटेज से सिंबल को हटाना होता है। जब आप परसेंटेज से सिंबल को हटाना चाहते हैं तो आपको 100 से भाग करना पड़ता है, 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल भी आपको दिखाना पड़ेगा, और जब नंबर में परसेंटेज लगाना होता है तो 100 से आप गुणा करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप किसी से, जैसे कुछ कॉमन एग्जांपल भी बोलिए सर, जैसे किसी से आप कहते हैं कि आधा, आधा मतलब 1/2, ये जानते हैं आप, इसको को परसेंटेज में लिखना चाहें तो 1/2 गुणे आप 100 करोगे, 2 से डिवाइड करिए 50 हुआ, 50 1 50 मतलब 50% हुआ। ऐसे अगर हमसे किसी ने कहा कि 75%, अब देखो परसेंट है, इसको संख्या में बनाना है, मैं लिखूंगा 75/100, मतलब अगर आप सिंप्लीफाई करें 25 75 25 100 3/4 हो गया। तो जब जरूरत पड़ी हमें संख्या को परसेंट में लिखने के लिए, हमने 100 से गुणा किया, जब परसेंट से हटाना पड़ा सिंबल को तो हमें 100 से भाग करना पड़ेगा। इस हिसाब से हम नंबर को परसेंटेज में, परसेंटेज को नंबर में प्रॉपरली लिख सकते हैं।
आप इसको ऐसा एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जाइए, और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करने की ज़रूरत आपको नहीं है। जैसे अगला क्वेश्चन आपको देखो, एक हेक्टेयर और वर्ग मिलीमीटर, वर्ग मिलीमीटर क्या होता है? ये प्रश्न देखिए अक्सर आपकी परीक्षा में भी इससे रिलेट करते हुए पेपर में पूछा गया था, एक हेक्टेयर क्या होता है। पहली चीज़ तो आप दिमाग में रखिए, एक हेक्टेयर को अगर हम कहें कि अगर हमारा एक कोई खेत है, ठीक है, एक फील्ड है, अगर उसकी लंबाई को हम 100 मीटर और चौड़ाई को भी 100 मीटर माने, जब हम उसका एरिया निकालेंगे, पूरा एरिया, सरफेस एरिया निकालेंगे, तो सरफेस एरिया हो जाएगा 100 × 100, मतलब मीटर गुड़े मीटर भी रखिए, 100 × 100 मीटर स्क्वायर, जो हो गया कितना बताएं, 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर ही आपका एक हेक्टेयर के बराबर होता है। तो आपसे कभी पूछा जाए तो सबसे पहले आप बताइए कि हमारी अगर कोई सा लैंड है, प्रॉपर्टी है, जिसकी लंबाई भी हम 100 मीटर माने, चौड़ाई भी 100 मीटर माने, तो उसका जो एरिया होगा एक हेक्टेयर बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक हेक्टेयर को आप कह सकते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। अब जैसे इसने बोला वर्ग मिलीमीटर, अब वर्ग मिलीमीटर को भी समझिए, आपको ये पता होना चाहिए और बता दीजिएगा कि यहाँ पर सर अगर हम कभी मेजरमेंट यूनिट को प्रॉपर लिखें, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, ऐसे बताइएगा प्रॉपर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो आप बोलिए मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, सर ये सीक्वेंस होता है जिसमें ऊपर से हम छोटे से बड़े होते जाते हैं, देखिए बढ़ रहा है, बढ़ना होता है इसको, बढ़ता क्रम होता है, और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो घटता क्रम होता है। तो कभी भी अगर आपको सर ऊपर से, मतलब हमें किसी मान को हम बड़े से छोटे में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मीटर को मान लो सेंटीमीटर में लिखना है, तो आप सर एक स्टेप क्रॉस करिए और एक के बाद लिखिए, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे अगर हमें मिलीमीटर में लिखना है तो 1 मीटर = 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है, 1000 मिलीमीटर होता है। आप प्रेजेंट करिए, बोला वर्ग मिलीमीटर क्या होगा, वर्ग मिलीमीटर, अब आपको पता है कि अगर 1 मीटर = 1000 मिलीमीटर होता है तो 1 मीटर स्क्वायर क्या होगा, या आप ऐसे प्रेजेंट करिए, देखिए इसने बोला वर्ग मिलीमीटर क्या होगा, आप देखिए, अब अगर आपको मान लो मिलीमीटर को मीटर में लिखना है तो 1 मिलीमीटर क्या लिखोगे आप, 1 मिलीमीटर को 1/1000 आप मीटर लिखेंगे, मतलब जैसे हमने कहा अगर मुझे मीटर से मिलीमीटर जाना है तो 1, 2, 3, 1 के बाद 3 जीरो, अगर मिलीमीटर छोटे से बड़े यूनिट पर आना तो 1/1000, मतलब 3 ही 0 लगेंगे बट नीचे चले जाएंगे। अब अगर मैं 1 मिलीमीटर स्क्वायर करता हूँ तो मुझे इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर इसका वर्ग होगा तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये बताया जा सकता है। तो आपको कन्वर्जन समझाना पड़ेगा जब भी कभी आपको हेक्टेयर बताना हो, मिलीमीटर स्क्वायर बताना हो, मीटर स्क्वायर बताना हो, इन सब सारी बातों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपको यूनिट कन्वर्जन पर बेस्ट क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। इस फार्मूले को सभी तैयार रखिएगा, सारे कन्वर्जन्स क्लियर होनी चाहिए। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कभी कभी, जैसे आप कोई चीज़ लिखें और इसने बोला किसी को थोड़ा सा आप पावर के फॉर्म में लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 10 की पावर, जैसे जनरली सोचिए तो 1/10 की पावर 6 है, और हम ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -6 भी लिख सकते हैं इसको। ये सब बातें भी आपको ध्यान से बतानी पड़ेगी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक क्वेश्चन देखिए जैसे इस टाइप का आपसे पूछा जाएगा कि चाक स्टिक के 4 रैक में प्रत्येक में 10 डिब्बे हैं, 4 रैक हैं चाक स्टिक की, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, इस तरह से एक 4 और बना दें, 4 रैक, और प्रत्येक में 10 डिब्बे, इसमें भी 10 डिब्बे, इसमें 10 डिब्बे, इसमें भी 10 डिब्बे, इसमें भी 10 डिब्बे हैं चाक स्टिक, स्कूल में बोर्ड पे पढ़ाने के लिए चाक का उपयोग किया जाता है, 4 रैक हैं और प्रत्येक में 10 डिब्बे हैं, किसी दिए गए दिन में चाक स्टिक के 10 डिब्बे उपयोग में आते हैं, 10 डिब्बे उपयोग में आते हैं, तो पूछा गया रैक में बचा हुआ अंश क्या है। बहुत आराम से ऐसे बताइए कि सर सबसे पहले अगर हमारे स्कूल में कुल 4 रैक बने हैं और प्रत्येक में 10 डिब्बे हैं तो कुल कितने डिब्बे हैं, टोटल हमारे पास जो बॉक्स हैं या डिब्बे जिनको आप बोलिए वो 10 × 4 है, मतलब 40 डिब्बे हैं। 40 में इसने कहा कि हमें 10 डिब्बे किसी दिन उपयोग में आए, जैसे दिन पढ़ाई जितनी कम ज़्यादा हुई उसके हिसाब से 10 डिब्बे सर उपयोग में आए थे, तो 40 में से अगर मैं 10 निकाल दूँ 30 डिब्बे हमारे बचे हैं। आपसे अंश पूछा, आप 30 बताओगे तो गलत हो जाएगा, बोले 30 बचा है सर, लेकिन 30 किसका है, 40 का है, तो मेरे पास 3/4 बचा है। आपसे पूछ यहाँ सकता है कि परसेंटेज कितना है टोटल का, तो आप कह दो सर इसको 100 से गुणा कर दीजिए, 4 से डिवाइड करें इसको, 25 या 75, मतलब टोटल का 75% अभी हमारे पास चाक उस दिन बचा हुआ है, मतलब 1/4 चाक हमारा कंप्लीट हुआ है, ख़त्म हुआ है। आपसे दोनों पूछ सकता है कितना अंश बचा है या कितना अंश खत्म हुआ है। भाई आप देख रहे हैं कि हमारे पास 40 डिब्बे थे, 10 ही डिब्बे खत्म हुए हैं, तो 10/40 मतलब 1/4 ख़त्म हुआ है,
30/40 अर्थात 3/4 बचा हुआ है, ये आपको बताना पड़ेगा और इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आइए। एक बस कंडक्टर 30 मिनट में 60 टिकट जारी करता है, टिकट मतलब टिकट काटता है, कितने समय में? केवल 30 मिनट में, 30 मिनट लगते हैं और 60 टिकट काट देता है, 60 पैसेंजर्स को बैठा सकता है। पूछा गया अगर इसी काम को 8 घंटे लगातार करे तो कितने टिकट काट सकेगा। तो पहली चीज़ तो एक यहाँ पर मिनट को घंटे में लिखने का पैटर्न आपको तुरंत वहीं बताना होगा। सर आप इसको पहले जान लीजिए कि एक घंटे बराबर 60 मिनट होते हैं, एक घंटे बराबर 60 मिनट होते हैं, ये आप जरूर बताइए। इस हिसाब से हम कहेंगे अगर 30 मिनट लगते हैं, और आप चाहे इसको घंटे के हिसाब से भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि 30 मिनट इज द हाफ एन आवर, आधे घंटे होते हैं, तो आप मिनट के हिसाब से भी ले जा सकते हैं, घंटे के हिसाब से ले जाते हैं, आपकी मर्जी है, आप इजीली कर सकते हैं। 30 मिनट में टोटल जो हम टिकट काट सकता है बस कंडक्टर वो 80 है, सॉरी नॉट 80 दैट इज 50, 50 टिकट काट सकता है। इसका मतलब अगर हम चाहें तो यहाँ पर टिकट हम लिख सकते हैं, टिकट लिख सकते हैं प्रॉपर, इसको ऐसे बताइएगा, या आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। या आप कहेंगे एक मिनट में कर पाएगा कितना सर, हम कहेंगे 50/30 टिकट। अब मेरे पास कितने हैं, 8 घंटे हैं, 8 घंटे को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 8 × 60 आएगा। तो बस आपको अगर 8 × 60 मिनट में टिकटों की बात किया जाए तो मैं कहूँगा 8 × 60, और प्रॉपर लिखिए इसको, बताइए 50/30, मतलब इसको 8 × 60 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 30 × 60 होता है, 50 × 100 800 टिकट कटेगा, 800 टिकट कटेगा, इस प्रश्न का हल हो जाएगा। बस सिंपल सा है, प्रॉपर बोलिए सर यूनिटरी मेथड काम कर रहा है। थोड़ा समय को यहाँ पर मुझे जैसे पूछा जाएगा बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या क्या इसके लिए अतिरिक्त बताएंगे, बोलूँगा सर कि यहाँ पर मैं टाइम का कन्वर्जन बताऊँगा, यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट बताऊँगा, अगर एक मिनट में इतना होता है, 30 मिनट में इतना होता है तो एक मिनट में कितने टिकट काट पाएगा, भाई 30 मिनट में अगर 50 कटता है तो एक मिनट में कितने कटेंगे, 50/3 मतलब 5/3, तो हमारे पास 8 × 60 240 मिनट है, 240 मिनट में हम 8 × 60 480 होता है, 480 मिनट है तो उसमें कितने काट पाएंगे, 480 × 5/3 कर दीजिए, उत्तर आपके सामने है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न देखिए एवरेज का पूछा जाएगा कि एक छोटी कंपनी में 3 कर्मचारी है, वर्बल क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको उत्तर देना होगा। 3 कर्मचारी हैं, हाँ एक छोटी कंपनी है जिसमें केवल 3 ही कर्मचारी हैं, का औसत वेतन 1000 है, तो यहाँ पर तुरंत आप बोलिए सर एवरेज जो होता है वो होता क्या है, सम अपान टोटल, सम अपान टोटल। तो इसलिए कभी अगर हमें सर सम अपान नॉट टोटल दैट इज सम अपान नंबर, ये जरूर बताइए, ठीक है सम अपान नंबर। कभी सर हमको अगर नंबर पता करना होगा, संख्या, तो संख्या पता करना होगा तो एवरेज, मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे सम अपान एवरेज करेंगे, या कभी अगर हमें सम पता करना होगा मतलब टोटल क्या है, योग क्या है, तो सम पता करने के लिए हम एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर इस कर्मचारी यहाँ पर कुल 3 ही हैं और प्रत्येक कर्मचारी लगभग 1000 रुपये कमाते हैं, तो हम टोटल पहले बताइए कुल कितना पैसा वो सैलरी देता है, तो 3 × 1000 बोलिए कि सर 1000 मतलब अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 3000 रुपये वह सैलरी में बांट देता है। अब तीनों कर्मचारियों को देता कैसे है, पहले को, दूसरे को और तीसरे को। इसने बोला एक कर्मचारी को 1100 इसको दिया 1100, अन्य को 500 दूसरे को 500, तो आप खुद ही जोड़ लीजिए 3000 का टोटल भुगतान है आपका, 11516 चला गया है। अब 11516 जैसे ही 16 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा बताइए, 3000 − 1600 अर्थात 1400 रुपये वह अन्य कर्मचारी को प्रोवाइड करेगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 1400, जो कि आपके प्रश्न के आंसर को भी समझाएगा, एवरेज को भी समझाएगा, आपकी स्किल को भी प्रेजेंट करेगा। तो आप कोशिश करिए और उम्मीद करिए कि ऐसे प्रश्न आपके अगर आपके सामने आए तो आप उसे हल करके प्रेजेंट कर सके, बता सके। तो इस तरह के और भी प्रश्न मैं आपको कराता रहूँगा, लाइव भी आकर के कराता रहूँगा, ये वीडियो तो रिकॉर्डेड है जिसको आप लोग प्रॉपर देखिए और सही तरह से एनालिसिस करिए, सही तरह से आप अपना ऑब्जर्वेशन भी करिए, अपने आप को बेसिकली प्रिपेयर करिए। बाकी मैं कोशिश और प्रयास ऐसे ही लगातार और करूँगा जिससे कि आपको अच्छा रिस्पॉन्स और बेहतर रिजल्ट मिल सके। आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, आप अपना सुझाव और फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और साथ साथ अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।